नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सब कुशल मंगल होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, सब पढ़ रहे होंगे ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही चल रही थी। डीकेटी इक्वेशन का जो वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो दिया जाएगा उससे संबंधित हमने डेरिवेशन और एक क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में हम उससे संबंधित दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी भी प्रकार की खाना पूर्ति नहीं होगी, सारा का सारा मेटेरियल करवाया जाएगा। ना तो हम लिमिट में चलेंगे ना शॉर्ट में चलेंगे, पूरा का पूरा मैटर आपको करवाया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, डेरिवेशन के साथ क्वेश्चन भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और प्रैक्टिस के लिए हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड करें और उन नोट्सों के माध्यम से और क्लास के माध्यम से, दोनों के माध्यम से आप अपने इस अध्ययन को, इस स्टडी को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं और बेहतर परिणाम की ओर, अच्छे स्कोर की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। तो निश्चिंत रहें, मेहनत करें और किसी भी प्रकार की स्टडी मटेरियल से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी हर जरूरत को हम ये आई स्टडी ऑनलाइन पूरा करेगा। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं। सो दैट टेन एक्स इज वन इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारी रहेगी dy by dx बराबर 1 प्लस y स्क्वायर। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो दिया गया है, जनरल सॉल्यूशन सीधा लिख देता हूं, जनरल सॉल्यूशन हमें दिया गया है y c माइनस टेन एक्स बराबर c टेन एक्स प्लस 1। ये हमें सिद्ध करना है, c क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ये हमारी डीकेटी इक्वेशन रहेगी और टेन एक्स जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया है और जनरल सॉल्यूशन हमें ये सिद्ध करना है। y क्वेश्चन में c माइनस टेन एक्स c टेन एक्स प्लस 1। अब इसको हमें करते हैं, देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले सिंस डीवाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई 1, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो गई होगी। ये हमारा इसका तीसरा चौथा क्वेश्चन चल रहा है। अब गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन y बराबर पी एक्स बराबर टेन एक्स, ये हमें दिया गया है। तो y1 बराबर पी वन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। लेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन y बराबर पी एक्स प्लस 1 अपॉन जेड बराबर, अब देखो पी एक्स बराबर क्या है, टेन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। तो y 1 बराबर क्या होगा, सीधा इसका आकलन कर देता हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर।
जो पहले क्वेश्चन किया था उससे संबंधित ही ये क्वेश्चन है। अब देखो आगे, ये आप इक्वेशन नंबर दे दें एक, ये इक्वेशन नंबर दो और ये तीन, तो बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड बाय डीएक्स वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई वन, वाई वन क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर वन प्लस वाई स्क्वायर, तो टेन एक्स प्लस वन अपॉन जेड का स्क्वायर, ये हमारी कंडीशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई कर दें बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन जेड और टू टेन एक्स, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने इसको खोल दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स एक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स इस तरफ, तो ये आपस में कैंसिल आउट, माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू टेन एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर वन प्लस टू टेन एक्स जेड अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, इस जेड वन को उस तरफ लेके जाएं तो जेड वन प्लस टू टेन एक्स जेड बराबर माइनस वन, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज लीनियर इक्वेशन। देखो क्वेश्चन को फिर से समझो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है, वही क्वेश्चन क्लास में होंगे जो एग्जाम में दो तीन या चार बार या इससे ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। डीवाई बाई डी एक्स हमें दिया गया है, वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें टेन एक्स दिया गया है, इससे हमने जनरल सॉल्यूशन टेन एक्स प्लस वन अपॉन जेड मान लिया, यहां से y बराबर पी एक्स है तो y1 निकाला और y1 को इस इक्वेशन के बराबर किया, यहां भी y बराबर ये लिखा और y1 निकाला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो चीज है ये इसके बराबर हो जाएगी, तो यहां जो हमने कंडीशन अप्लाई करी है सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कंडीशन के माध्यम से हम वो चीजें लिखेंगे। अब देखो जेड वन प्लस टू टेन एक्स जेड बराबर माइनस वन, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ये फिर से लीनियर इक्वेशन बन गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर समाकलन टू टेन एक्स और डी एक्स, क्या मिलेगा, टू बाहर आएगा, ई की पावर टेन एक्स डी एक्स, फिर ही बाहर, अब टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस लोग कोस एक्स, तो माइनस टू लोग कोस एक्स प्लस सी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ई लोग कोस एक्स माइनस टू, ये माइनस टू है जो पावर में चली जाएगी, तो एक्स प्लस सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई और लोग क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बराबर समाकलन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ गुणा कौन होता है, ये जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये
कहीं पे इसको आर लिखा जाता है, कहीं पे क्यू लिखा जाता है। ये इस प्रकार से गुणा होगा तो ये माइनस एक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स प्लस सी है जो इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो जेड इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बराबर माइनस एक स्क्वायर एक्स तो माइनस टेन एक्स प्लस सी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है वाई सी माइनस टेन एक्स सी टेन एक्स प्लस वन। यहां से जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, ये सी चला जाएगा उस तरफ, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था तो ये बन जाएगा सी वन, सी उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट उस तरफ जाएगा तो भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो इसको हम सी ही मान लेते हैं, या नया कॉन्स्टेंट मानेंगे सी वन, फिर वो इस सी में ऐड होगा तो एक नया कॉन्स्टेंट मिलेगा तो आप इसको सी मान लें, या इसको सी एन कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सी मान लिया हमने, सी माइनस टेन एक्स अपोन सेक स्क्वायर एक्स, जेड बराबर सी माइनस टेन एक्स अपोन सेक स्क्वायर एक्स, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने माना था वाई बराबर पी एक्स प्लस वन अपोन जेड, तो पी एक्स हमारे पास है वाई बराबर टेन एक्स प्लस वन अपोन जेड, तो वन अपोन जेड, जेड की वैल्यू है सेक स्क्वायर सी माइनस टेन एक्स, इसमें हम मान रख देते हैं। By using equation third, y1, sorry equation second, y बराबर टेन एक्स प्लस ये है वन अपॉन जेड, देखो ये टेन एक्स वन अपॉन जेड, तो वन अपॉन जेड क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सी माइनस टेन एक्स, ये चीजें हो जाएंगी। तो y बराबर सी टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपोन सी माइनस टेन एक्स, मैंने इसका एलसीएम ले लिया c माइनस टेन एक्स और y कोष्टक में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन, सी टेन एक्स प्लस वन वाई सी माइनस टेन एक्स और सी टेन एक्स प्लस वन, हेंस प्रूव्ड। ये इस प्रकार क्वेश्चन चलेगा, यही हमको सिद्ध करना है वाई सी माइनस टेन एक्स बराबर सी टेन एक्स प्लस वन, इस प्रकार से एक हमारा काम है होगा। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डीवाई बाई डी एक्स हमें दिया गया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने यहां लिखा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद जनरल सॉल्यूशन माना और ये सारा मान इक्वेशन फर्स्ट में रखा और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, अवकल समीकरण के माध्यम से इसको हल किया, इस प्रकार ये क्वेश्चन होंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल आसान है, जितने क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं अगर उतने क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, रिकेटी इक्वेशन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रिकेटी इक्वेशन है जो बेसिक है, इसके बाद टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और मुंगे मेथड इस यूनिट से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं,
डीवाई बाई डी एक्स हमें दिया गया है 2 प्लस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, वाई इंटू में है 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर, और इसका जो आगे लिखा हुआ है गिवन दैट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इट, यानी कि सीधा सा क्वेश्चन है 2 डीवाई बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दिया गया है 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, अब डीवाई बाई डी एक्स दिया गया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दिया गया है, तो साधारण सी फॉर्मेशन हमें पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन अब चलने वाला है। देखते हैं सॉल्यूशन, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या है 2 प्लस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और वाई 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर बराबर वाई 1 इसको मान सकते हैं। भाषा में इसमें नहीं लिख रहा क्योंकि ये अपना तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, तो ये चीजें आप मैनेज कर लें, बाकी सारी चीजें हमें कर लेंगे। अब देखो गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई बराबर एक्स प्लस, या इसको इस प्रकार लिख लें y बराबर पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमें y है तो y 1 क्या हो जाएगा x का अवकलन, देखो p1 x बराबर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब y 1 क्या है 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर ये सारी की सारी इक्वेशन, तो मैं सीधा इस प्रकार से लिख देता हूं लेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा वाई बराबर पी एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, तो यहां क्या होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड वाई 1 बराबर, अब देखो वाई 1 इसका अवकलन होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर। देखो डीवाई बाई डी एक्स हमें दिया गया है, हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दिया गया है y बराबर पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां से हमने y 1 निकाला, y 1 को हमने इक्वेशन के बराबर किया, लेट जनरल सॉल्यूशन हमारे पास हमने मान लिया कि y बराबर पी एक्स प्लस 1 अपॉन जेड होगा, तो यहां से हमें y1 मिला 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब हमने ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इक्वेशन माना, यही काम हमें यहां करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 और इसको 3 By using equation third and second in equation first, देखो dy by dx, dy by dx क्या है ये, तो 1 minus 1 upon x square minus z1 upon z square बराबर 2 plus 2 plus 1 upon 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर वाई की वैल्यू क्या है वाई की वैल्यू है ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन 2 और वाई स्क्वायर, तो ये वाई की वैल्यू है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन
जेड का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर टू प्लस, ये हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है टू प्लस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू और यहां पर आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स। हमने क्या किया, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर, फिर टू ऐसा का ऐसा प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये सारी की सारी चीजें हमने लिख ली। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाना है तो या तो आप वन बाई टू ऐसा का ऐसा रख लें, ठीक है, अक्स का मल्टीप्लाई अक्स स्क्वायर, फिर अक्स का वन अपॉन अक्स तो वन, फिर यहां हो जाएगा वन अपॉन अक्स जेड, फिर माइनस ये हो जाएगा माइनस वन, ये माइनस अक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन अक्स जेड, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर माइनस एक बट्टा दो ऐसा का ऐसा रख ले, इसका स्क्वायर करें तो इसको फिर से ए मान ले और इसको बी मान ले, ए स्क्वायर अक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू आ जाएगा, फिर प्लस यहां लिख देता हूं, फिर प्लस इसका स्क्वायर हो गया, फिर वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू अक्स प्लस वन अपॉन अक्स और वन बाई जेड, ये इस प्रकार से होगा। देखो ए और बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर टू ए बी, तो टू ए और ए बी। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, वन माइनस अक्स स्क्वायर माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर टू ऐसा का ऐसा प्लस, ये एक से एक कैंसिल आउट, ठीक है, यहां अक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, ठीक है, यहां आपको मिलेगा वन बाई टू अक्स जेड और माइनस इसको इस प्रकार माइनस ये लिख लिया ये लिख लिया, अब यहां आपको मिलेगा माइनस टू अक्स स्क्वायर और माइनस टू अक्स जेड, ये देखो यहां पर कैंसिल आउट भी हो रहा है, यहां कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखें अक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस अक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन अपॉन टू अक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन अपॉन टू जेड स्क्वायर, फिर ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का चिन्ह अक्स अपॉन जेड और माइनस वन अपॉन अक्स जेड, इतनी चीजें हमें मिलेंगी। अब देखो ये आपस में कैंसिल आउट, ठीक है, और यहां है दो माइनस एक, एक बचा और एक ये रहा, तो ये कैंसिल आउट, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इस तरफ है माइनस वन अपॉन अक्स स्क्वायर, यहां है माइनस एक बटा दो अक्स स्क्वायर और माइनस एक बटा दो अक्स स्क्वायर, माइनस एक बटा दो और माइनस एक बटा दो, माइनस माइनस एक बटा दो अक्स स्क्वायर और माइनस एक बटा दो अक्स स्क्वायर, यहां है माइनस वन अपॉन अक्स स्क्वायर, यहां चीजें मिलेंगी अक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये आपस में कैंसल आउट,
ठीक है। अब यहां बचा आपके पास माइनस वन अपॉन टू जेड स्क्वायर, और ये है आपके पास यहां में हमें बचा वन माइनस, तो वन तो कैंसल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस प्लस की मिस्टेक देख लें, यहां हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये तीनों माइनस के, माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो ये देखें माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस एक बटा दो और माइनस एक बटा दो माइनस एक, तो ये आपस में इससे कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर माइनस वन अपॉन टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस वन अपॉन एक्स जेड। इस प्रकार की कुछ वैल्यू हमें मिलेंगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करें तो माइनस जेड वन, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे तो माइनस जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर, यहां हमारे पास अब देखो जेड स्क्वायर जेड और जेड, तो जेड स्क्वायर आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और टू एलसीएम ले सकते हैं और एक्स एलसीएम ले सकते हैं, इस प्रकार से इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं। अब यहां आपको मिलेगा माइनस एक्स, यहां आपको मिलेगा टू एक्स जेड, जेड पहले से है टू एक्स जेड मिलेगा, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर जेड, और यहां आपको मिलेगा एक्स जेड पहले से है तो टू जेड, इस प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी। अब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, वाई बराबर डीवाई बाई डी एक्स हमें दिया हुआ है, y बराबर हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन px हमारे को दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन x, यहां से हमें हमने y1 बराबर p1x बराबर 1 माइनस वन अपॉन x स्क्वायर लिखा, और जनरल सॉल्यूशन y बराबर px प्लस वन अपॉन z मान लिया। इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले तो हमें इस प्रकार की इक्वेशन मिली। कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन में आपको प्रैक्टिस जब तक होगी तब तक आपकी कैलकुलेशन सही चलती रहेगी। हो सकता है माइनस प्लस की मिस्टेक मेरे से भी हो जाए, तो वो चीजें आप मैनेज कर लें। अब देखो 2x को इससे आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो माइनस 2x z1 बराबर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर जेड और माइनस 2z, इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी कि यहां आपको x मिला, यहां 2x मिला, 2x z मिला, और यहां आपको मिला 2z, ठीक है। अब इसको आप इस तरफ लेके जाएं तो 2x z1 प्लस का ये इस तरफ गया तो ये माइनस के रहेंगे, माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस टू जेड बराबर जीरो। अब टू एक्स जेड वन, फिर यहां पर जेड है तो माइनस जेड कॉमन ले लिया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर एक्स, इस प्रकार की फॉर्मेशन बनी। अब 2x का इसमें भाग लगा दें तो z1 माइनस z, 2x का भाग लगाया तो यहां आपको मिलेगा, 2x का यहां भाग लगेगा तो यहां आपको मिलेगा x प्लस यहां आपको मिलेगा 1 बाई टू बराबर यहां आपको मिलेगा 1 बाई टू। हमें इक्वेशन क्या मिली,
हमें इक्वेशन मिली जेड वन माइनस जेड, फिर एक्स प्लस वन बाई टू बराबर एक बट्टा दो। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन के माध्यम से हमें आगे के समीकरण को सोल्व करेंगे। तो यहां से आपको वही काम करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के माध्यम से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के माध्यम से हमको क्या करना है कि e की पावर x प्लस एक बटा दो इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करने के पश्चात इसका जो समाकलन होगा या जो जो मान आएगा उसको हम कौन से फॉर्मूले में लिखेंगे, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर फिर ये, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्योंकि वैल्यू यहां क्या है एक बटा दो, और ये हमारा इसका dx, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आगे हमको सॉल्व करना है, तो ये काम आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x प्लस एक बटा दो dx, तो यहां से e की पावर x, अब x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू, फिर 1 बाई टू का समाकलन हो जाएगा x बाई टू। इसको हमको इस प्रकार से ले, यहां आपके पास 2x आएगा, यहां भी 2x आएगा। इस प्रकार की मिस्टेक्स का आप ध्यान रखें, हो सकता है मेरे से भी हो जाए, लेकिन जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो एकदम सही रहेगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। यहां 1/2x होगा, तो देखो थोड़ा सा बता देता हूं, क्लास ऑफ का टाइम है, देखो ई एक्स प्लस 1/2x डीएक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2x का, तो 1/2 1/x का लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख लें, फिर e एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये जो है 1/2 log x, यहां पर आप log x की पावर 1/2 प्लस log c, तो यहां पर आपको x की पावर 1/2 मिलेगी प्लस e की पावर x स्क्वायर बाई टू। ये मान आप यहां रख दें, z x की पावर 1/2 प्लस e x स्क्वायर बाई टू बराबर ये पूरा मान और इनटू में 1/2। यहां से आप जेड का मान निकाल लें और इसमें रख दें, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा, हो सकता है जहां तक आप सिंप्लीफाई करें वहां तक आप आंसर तक पहुंचे या न पहुंचे वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आपका जो पूरा फॉर्मेट है वो सही है या गलत। जैसे आपने सॉल्यूशन किस प्रकार लिया, कैलकुलेशन किस प्रकार करी, इसमें मान आपको निकाल लें। अब जो आपके बेसिक हैं, जो अवकल समीकरण है बीएससी वाली, वो आपकी अच्छी होगी, तब जाकर ये सारे मान आप निकाल पाओगे। तो आई होप आप, आज की क्लास में मैंने आपको तो पहले क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन आपने किया हो, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और वो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको लगभग पूरा बता दिया, लास्ट की जो कैलकुलेशन है वो आप अपने हिसाब से इसमें कर लें, और जहां तक ये सिंप्लीफाई होता है वहां तक इसका मान, जेड का मान निकालें और यहां आप इसमें मान रख दें, सारा का सारा क्वेश्चन इसी प्रकार चलेगा। हमारी कैलकुलेशन में पहले कोई अगर माइनस प्लस की मिस्टेक है वो भी आप कवर अप कर लें। इससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।